हे गाइस, तो चलो आज कुछ व्रत वाला ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लिया। और अब मैंने यहाँ पे दो टुकड़े आलू को उबाल के रखा था, तो उनको भी हाथों से हल्का सा क्रश करके कढ़ाई में डाल दिया और उनको मैंने अच्छे से भून लिया। आलू को आप जब तक भूने तब तक उसकी हल्की सी ऊपर की स्किन ब्राउन ना हो जाए। तो अच्छे से भूनने के बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डाल दीजिए। नमक डाल के वापस एक बार उनको मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में आप इसमें मूंगफली के पाउडर डाल दें। तो मैंने क्या किया था, मूंगफली को एक कढ़ाई में भून लिया था, भूनने के बाद में उनको ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद में उनको मैंने मिक्सर में पीस लिया था। तो ये मूंगफली का पाउडर है। और अब मैंने यहाँ पे साबूदाना डाल दिए। तो साबूदाना को मैंने रात में ही भिगो के रख लिया था। जितना आपका साबूदाना उसी लेवल तक का पानी, और जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए आप गैस की फ्लेम को बंद ना करिएगा। तो ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी रेडी हो गई है, मस्त खाओ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार।